लगाओ एक जीरो जीरो आठ आठ हेलो हेलो मैं दरियाबाद मथुरा नगर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से बोल रहा हूँ। एम्बुलेंस वाला बोलो किसको बच्चा होने वाला कहाँ गाड़ी रहा है। हाँ किसको बच्चा होने वाला है भाई। हेलो हेलो भाई एम्बुलेंस वाला मथुरा नगर दरियाबाद से बोल रहा हूँ कि गाड़ी कहाँ पे लाऊँ किसके बच्चा होने वाला है। मैंने बोला कि मेरे भाई को फोन लगाओ यानी मेरे बेटे को, लेकिन तू हॉस्पिटल के लिए फोन लगा दिया। साला एम्बुलेंस बुला ले तू अरे खड़ी हम कहा जा यहाँ कोई लड़का बच्चा किसी बच्चा होने वाला है भाई हमसे पूछे हम कहा जाए और यहाँ कोई बहुत मारूंगा। सरकार नंबर बताओ तो मालिक नंबर बताओ। नवा नंबर हम नहीं जाने थे। नंबर तुझे नहीं मालूम है। नवा वाला हम नहीं जाने पड़ल के सब लगा देंगे। आठ डबल जीरो आठ डबल जीरो तिरानबे निन्यानबे बाईस बयास तीन सौ तीस तीन सौ तीस कई तीन बनाए मैं दो बार तीन बनाइए कहाँ उसके बाद जीरो तीन बार बनाई कहाँ के बाद और बोलो आपने कहा था मालिक दो बार बनेंगे और दो बार तीन बनाइए दो बार बाद जीरो जीरो हाँ ठीक लगो। हेलो 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 भैया नमस्कार बोल क्या कहा मेरे कुत्ते। अरे विक्रम भैया बोल आपके पिताजी आपको अवेली भी याद कर रहे हैं। क्या कहा मेरे पिताजी याद कर रहे हैं। हाँ हाँ पिताजी से बोल दो कि मैं आ रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू। नहीं थी। हाँ पिताजी बेटे तुम्हारी पढ़ाई में क्या हुआ
अरे पिताजी बहुत खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? हाँ पिताजी, खुशी की बात है। आपकी बार मैं कॉलेज में सभी लड़कों से फर्स्ट नंबर से पास हुआ हूँ। क्या शाबाश शाबाश बेटे, बेटे आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ। ये मुझे विश्वास है कि मेरा भी बेटा विक्रम सिंह मेरा नाम शंकर करीब रोशन करेगा। बेटे कहे बहुत अच्छे हो, आज तुम पास होकर आए हो, मैं तुम्हारी पढ़ाई से बहुत ज्यादा खुश है। रामलाल रामलाल ये मालिक, आज खुशी का दिन है। अच्छा, मेरा बेटा विक्रम सिंह स्कूल में सभी बच्चों से फर्स्ट नंबर से पास होकर आया है। अच्छा विक्रम भैया, ओ विक्रम भैया आप पास हो गए? यूरिया हो गए कहीं का? अबे कॉलेज में सभी लड़कों से फर्स्ट नंबर से पास हुआ हूँ। अच्छा तुम नंबर एक के आगे निकल के पास हो गए? ठाकुर साहब का हुई खुशी में? दस बारह का फोंक दे रामलाल, आज इस खुशी में शंकर गरिया सब ने जितने काम करते हैं हर घर में अच्छा एक एक लड्डू अच्छा और पचास पचास रुपया बटवाएगा। बहुत अच्छी बात, अभी आ रहे हैं। एक एक किलो लड्डू पचास पचास रुपया थाली में बटवा देते हैं। थाली में ही लड्डू से भरा हुआ डब्बा होना चाहिए। तो कहा हम कुछ और कहे थे? एक एक किलो लड्डू पचास रुपया थाली डब्बा हर हाँ बिल्कुल। ये बताओ कि तू तो स्कूल से वापस आ गया, लेकिन अभी मेरा भतीजा राहुल क्या वो नहीं है? वो भी आया है पिताजी। अच्छा राहुल, जाकर देख मेरा भाई राहुल इस समय हवेली पर क्या कर रहा है। ओ चाचा जी के चरण में राहुल का प्रणाम, चाचा जी के चरण में राहुल का प्रणाम, यही मुझे आशीष दीजिए। तो जिस तुम पर ये शमान हो लोग झुकाए यानी कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम हुआ? जी बेटे राहुल, आज खुशी का दिन है। खुशी का दिन है? ये हवेली तो सजवाई गई है, इसका कारण यह है कि तुम्हारा भाई विक्रम सिंह
सभी बच्चों से फर्स्ट नंबर के पास होकर आया है। बेटे इस खुशी में आज हवेली सजवाई गई है और संकट के रियासत में जितने गांव बनते हैं सभी घरों में एक एक किलो लड्डू और 50-50 रुपए बंटवाया जा रहा है। यह बात है लेकिन चाचा जी आपसे ही किसने बताया कि विक्रम भैया पास हुए हैं? बेटे ये तो तुम्हारा भाई विक्रम सिंह ने मुझसे बताया। चाचा जी आज फर्स्ट नंबर तुम्हारा कब आया है? चाचा जी विक्रम भैया आपको झूठी तसल्ली दे रहे हैं इसलिए कि वो इस बार भी फेल हो चुके हैं। अरे पिताजी जब फेल हो गया तो क्या करना? अगर तू फेल हो गया था तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ऐसे सी इन बातों को छोड़ो। सब कौन लड्डू मार गया है? अच्छा कोई घर नहीं बचा है। ठीक है अब आप मुंह मीठा कर लियो फिर लड्डू बचे हैं। रामलाल मुझे अपना मुंह नहीं मीठा करना है। काहे का शुगर की बीमारी है ना? शुगर की नहीं रामलाल ये नाना मेरा बेटा विक्रम सिंह इस साल भी फेल हो गया है। कलूटा गोबर छोट भैंसा हल है शरीफा जिंदगी में है कहीं अरे कौन राग के नहीं होते ये गोबर छोट है कबो ना सुधरी है कतो हर साल फेल इनके बाप को रुपये लागत चाचा जी सबको नजर आ रहा है चाची का है बेटा। राहुल ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई में क्या हुआ? हो चाचा जी जिसके सर पर उस्मानी का हाथ हो और आप लोगों का आशीर्वाद हो कैसे भी रह सकता है। हर बच्चों से अच्छे नंबर से इस बार भी पास हुआ हूँ। शाबाश बेटे शाबाश। राहुल आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे बेटे विक्रम सिंह तो नहीं बल्कि मेरे भतीजे राहुल मेरा नाम शंकर जी मेरे उधर करेगा। बहुत अच्छे बेटे। चाचा जी कमला जी जिसकी तुम याद करो तुम्हारी चाची समय तुम दोनों भाइयों के लिए नाश्ता और भोजन तैयार कर रही है। बहुत अच्छी बात है। खाती हूँ जुग जुग जियो मेरे गेटो जुग जुग जियो। क्यों रे साले क्या कर रहे थे तुम दोनों? सरकार हम भाई बहन गांव बाहर चार पांच हम बुढ़ावे लगे भाई बहन पुरनिया। अच्छा कहीं महतारी के पांव के नीचे स्वर्ग हम स्वर्ग ढूंढित रहा है। और तू क्या कर रहा था बड़ा गए हम पांव के नीचे जन्नत ढूंढत रहे हैं। तब तुझे जन्नत चाहिए तुझे स्वर्ग चाहिए चिंता मत करो तुम दोनों तुझे स्वर्ग का रास्ता तुझे जन्नत का रास्ता मैं साथ दिखाऊंगा। रहने दे वो अपनी हवेली के वफादार नौकर हैं। लेकिन विक्रम तू एक बात बता अभी अभी तेरे बापू तुझे डांट क्यों रहे थे? अरे मां इनकी आदत ही ऐसे क्या हो जी इधर आओ तुमने हमारे बेटे विक्रम को डांटा शायद तुम्हें पता नहीं कि हमारा बेटा विक्रम एक हमारा लौता बेटा है और हम अपने बेटे विक्रम से बहुत प्यार करते हैं। मुझे मालूम है इसलिए हमारी बात ध्यान से सुनो क्या कहना चाहती हूँ मैं